message today is about the cross. आज का मेरा जो विषय है ये है क्रूस के बारे में. The cross of Christ. यीशु मसीह का क्रूस. Cross, when we say in Greek, it means just postpone or a cross. क्रूस का जो ग्रीक में भाषांतर किया गया है या बताया गया है पोस्ट या फिर पॉल होता है. Cross is used for the capital punishment. क्रूस जो इस्तेमाल किया गया था ये एक भयंकर शिक्षा के लिए इस्तेमाल किया गया था. The Latin word means that I'm fastened to a cross. और लैटिन शब्द जो इस्तेमाल किया गया है और ये 29 बार ये जो शब्द है वो इस्तेमाल किया गया है. 46 times it is used in the Bible in the verbal form. एक शब्दिक तौर पर इसको 46 बार पूरे पवित्र शास्त्र में इस्तेमाल किया गया है. So when you study the Bible in the Old Testament, you don't find that anybody is crucified. अगर आप पुराने नियम में पवित्र शास्त्र को पढ़ते हो तो वहां पर कहीं पर भी आपको किसी को क्रूस पर चढ़ाया ये बात दिखाई नहीं देगी. जो पहली शताब्दी थी वहाँ पर जो गुनाह करते थे ऐसे लोगों को सजा देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था. लेकिन पुराने नियम में आप देखते हैं कि ऐसे लोगों को पत्थर मारकर सजा दी जाती थी. There is a symbol of humiliation. यीशु मसीह के सापेक्ष नम्रता का उदाहरण यहाँ पर देखने को मिलता है. Before Christ, so many slaves were crucified. यीशु मसीह के पहले बहुत सारे ऐसे दासों को क्रूस पर चढ़ाया गया था. And the criminals were crucified. और जो ऐसे गुनेगार थे बड़े-बड़े उनको क्रूस पर चढ़ाया गया. And we also study about one of the 12 disciples, Peter was also crucified. और 12 जो चेले थे यीशु मसीह के उनमें से जो पतरस था उसको भी क्रूस पर चढ़ाया गया था. A symbol of shame and punishment and judgment. क्रूस जो है इसका मतलब एक लज्जा और सजा है. The Roman Empire during the time they used to crucify people and used as a judgment given to the criminals. पुराने नियम में ये लोग जो थे रोमी सरकार जो थे वो लोग गुनहगारों को सजा देने के लिए उनको न्याय ठहराने के लिए इस क्रूस का इस्तेमाल करते थे. But Roman government they never crucified any of their citizens. लेकिन रोमन साम्राज्य था उन्होंने उनके खुद के शहर के जो नागरिक थे उसमें से किसी को कभी क्रूस पर नहीं चढ़ाया था. When we go back to first century in the history and see that cross was a common sight for the people. अगर आप पहले शताब्दी में जाते हो क्रूस जो था नजारा था. Caesar Augustus he claims that he has captured 20,000 slaves and he has crucified them. अगस्तीन ने 20,000 लोगों को पकड़कर उनको उसने क्रूस पर चढ़ाया था. During the intertestamental period in 76 BC, Alexander Janius he has captured 800 Pharisees and crucified them. और 20 से लेकर 28 बी में जो अलेक्जेंडर था उसने कई सारे फरीसी लोगों को पकड़कर क्रूस पर चढ़ाया था. Another time 6,000 slaves were crucified. और एक कथा में 6,000 लोगों से ज्यादा लोगों को क्रूस पर चढ़ाया गया था. So when you look at first century, you find that not only Christ, there were so many criminals who have been crucified. तो अगर आप पहली शताब्दी में देखते हैं तो सिर्फ यीशु मसीह नहीं बल्कि उसके अलावा और कई सारे लोगों को क्रूस पर चढ़ाया गया था. Study the Christianity in the history, you find the beginning cross was never a symbol for Christianity. तो अगर आप इसका अभ्यास करते हो नए नियम का तो शुरू में क्रूस जो है ये मसीह लोगों के लिए कोई चिन्ह नहीं था. The emperor Constantine was there and he was looking for God's help and divine help, some miraculous help, and through God, this emperor Constantine only the cross became a symbol for Christians. Constantine नाम का राजा था बादशाह था जिसने परमेश्वर की मदद से परमेश्वर की सहायता से कुछ उसके मदद चाहिए थी और उसने क्रूस को एक निशान बनाया मसीह तौर पर. Constantine's army was about 20,000 people. They were a million gate for the battle, and the enemies came five times bigger than their army. Constantine बादशाह था राजा था उसके 20,000 से ज्यादा सेना थी लेकिन उसके विरोध में जो आने वाले शत्रु थे उससे 5 गुना ज्यादा होने के बावजूद भी he knew that his army is going to be defeated. उसको पता था कि उसका जो साम्राज्य है या फिर उसका जो सैन्य है वो हारने वाले हैं. He was looking for a miraculous help. और वो देख रहा था कि कुछ चमत्कार हो जाएगा. As he looked up, he saw in the sky that above the moon there was a cross symbol. और उसने आसमान में देखा तो चांद की तरफ उसने क्रूस को देखा. और उसने वो देखा और उसने याद किया कि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया था. इट इज अ सिंबल फॉर मी टू गेट विक्ट्री. और ये मेरे लिए वो चिन्ह है कि मैं विजय पाऊं. एंड इट वाज आल्सो रिटन देयर इन दिस साइन कॉन्वर्ट
और यहाँ पर लिखा था कि इस चिन्ह से विजय and he was just making the vow that if I get victory I will be ready to Jesus I will become a Christian और उसने कहा था कि अगर मुझे विजय मिला भी तो मैं वो सारा क्रेडिट जो उसने सारा श्रेय यीशु मसीह को दूंगा and we find that according to his belief he got victory और उसके विश्वास के अनुसार उसको विजय मिला from that point onwards the cross became a symbol for Christianity और उसी दिन से उसी वक्त से ये क्रूस जो है मसीहों के लिए एक चिन्ह बना as you look into 1 Corinthians 1:18-25 you find that cross is a foolishness to Jews you find पहली करिन्थियों किताब का अगर आप देखते हो तो वहां पर यहूदी लोगों के लिए क्रूस एक शर्मनाक चिन्ह था It is a stumbling block for Jews that were defined. ये एक रुकने वाला पत्थर था. Jewish people, you know their tradition that they are the chosen generation of God. और अगर इनके generation के बारे में, इनके लोगों के बारे में देखे जाए, इनके पीढ़ी के बारे में देखे जाए, तो ये परमेश्वर के चुने हुए लोग थे. But we learned up as a nation that God wanted to come to that nation. और परमेश्वर ने उनको एक राष्ट्र के तौर पे चुना था और परमेश्वर चाहता था कि उस राष्ट्र के द्वारा वो आए. But we find that they did not receive him. लेकिन आप देखते हैं कि उन्होंने उसका स्वीकार नहीं किया He came and John says that his own people did not receive him. और वो आया लेकिन यूहन्ना कहता है कि उसके खुद के लोगों ने उसको नहीं स्वीकारा If you read 1 Corinthians 1:18-25 you get the explanation. नई करंती की किताब में आप पढ़ते हो पहला अध्याय में तो उसका सारा स्पष्टीकरण आपको नजर आता है There are Jewish people, they were always looking for some kind of signs and miracles. वो ऐसे लोग थे जो हमेशा कुछ ना कुछ चिन्ह के बारे में किसी ना किसी चमत्कार के बारे में देखते थे Jesus came performing so many miracles. यीशु मसीह काफी सारे चमत्कार करते हुए आए थे He gave sight to blind. उसने अंधों को आंखें दी The people who were having the problem with the leg, people's legs, he has straightened their legs. जो लंगड़े लोग थे जिनके चलने में क्षमता नहीं थी ऐसे लोगों को यीशु ने चलाया He also cleansed the lepers. उसने कुष्ठ रोगियों को चंगा किया So many miracles he did, but still they did not believe in him. और उसने बहुत सारे चमत्कार किए लेकिन फिर भी उन्होंने उस पर विश्वास नहीं रखा They were looking for some other miracles or success and you know greatness. वो किसी ऐसे चमत्कार की आशा कर रहे थे यकीन कर रहे थे या फिर राह देख रहे थे कि जो उनको विजय दे looking for the signs of power and wonder. वो ऐसे आश्चर्यचकित और सामर्थ्यशाली चिन्ह के राह देख रहे थे so when Jesus died on the cross that was something contrary to their belief. और जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया था तो ये उनका जो विश्वास था उसके विरोध में कुछ था person who is dying on the cross or hanging on the tree is a cursed person. और जो व्यक्ति पेड़ पर लटकाया गया है क्रूस पर चढ़ाया गया है वो एक शापित व्यक्ति है और dying on the cross was never a symbol of victory for them. और क्योंकि क्रूस पर चढ़ाया जा रहा क्रूस पर मारना ये उनके लिए कभी भी विजय का चिन्ह नहीं था that is a picture of weakness according to the Jewish people that is why here you find it in a Paul says that it is a stumbling block to Jews और वो क्या कहा गया है कि ये जो क्रूस का चिन्ह है उनके लिए कमजोरी का निशान था और इसलिए पौलुस कहता है कि उनके लिए एक अड़काव का पत्थर था and the second group of people whom Paul addresses is the Greeks it is foolishness to them cross is foolishness to the Greeks और ये ग्रीक लोगों के लिए ये इसका मतलब होता है इज डिपेंडिंग अपॉन विजडम और वे हमेशा ज्ञान पर यकीन करते थे दे प्रोड्यूस ग्रेट थिंकर्स और उनमें बहुत सारे ऐसे बड़े विचारवंत थे यू फाइंड द ग्रीक्स लाइक सोक्रेटिस एरिस्टोटल एंड प्लेटो लाइक ग्रेट थिंकर्स केम फ्रॉम ग्रीस बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े वैज्ञानिक सोक्रेटिस जैसे वैज्ञानिक हम देखते हैं जो ग्रीक में से हैं सोक्रेटिस ही सेड लाइक दिस द सीक्रेट टू सक्सेस Successful society is education. Socrates ने कहा था कि अगर एक भरभराती हुई या भरे हुए और अगर हमें समाज देखना है तो उसके लिए education यानी कि पढ़ाई जो होती है वही सबसे बड़ी बात है. He said that give education to all the people, then the world will get better and better. और उसने कहा कि सारे लोग अगर अगर उनको ठीक से शिक्षण मिले तो दुनिया जो है और भी बेहतर बनती जाएगी. And we understand that the world, you know, people have lot of education, but you never find the world is getting better and better. और हम देखते हैं कि बहुत सारा शिक्षण लोगों को मिलता जा रहा है, लेकिन हमें दुनिया में कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है. So according to you know Socrates, the wisdom does not give you know solution to all the problems. Socrates के हिसाब से ज्ञान जो है वो हर एक चीज का बहुत मामार नहीं है. So we find that you know so many educated people. शांति नहीं
अभी मुझे न्यूज मिली, खबर मिली कि एक एमटीएच ग्रेजुएट व्यक्ति बैंगलोर में उसने आत्महत्या कर ली। 2010 graduate, just you know, few years back he graduated and due to some medical problems he committed suicide. 2010 में उसने डिग्री ले ली, लेकिन हालांकि उसने आत्महत्या कर ली उसके कुछ पर्सनल या व्यक्तिगत कारणों से। He was educated and all like other friends, he learned theology like other friends. So, but you know, he did not have the proper comfort by himself in his heart that you know he went on, you know, went against God's plan, went against you know the family plan that you know, he went committed suicide. और उसने धर्मशास्त्र का अभ्यास किया था, उसने बहुत सारी पढ़ाई की थी, अपने दोस्तों की तरह उसने बहुत सारा ज्ञान पाया था, लेकिन वो परमेश्वर से दूर चला गया, परमेश्वर की योजना से दूर चला गया और आखिर में जाकर उसने आत्महत्या की। और जो ज्ञान है वो हमें शांति नहीं देता। Education does not provide happiness and joy. और जो शिक्षण है वो आनंद और नहीं देता है। Greeks were looking for wisdom and they thought that education can be a solution to every problem. और ग्रीक लोग इसी बात को देखते थे और ये सोचते थे कि जो शिक्षण है वो हर चीज का मार्ग है। Even today people are still like the Greeks and also like the Jewish people. We are after the wisdom and all the other things. हम भी दुनिया में देखते बहुत सारे लोग और जो ग्रीक और दूसरे लोग थे उनके तरह ही शिक्षण के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। And cross also symbolically pictured in the Bible. जो क्रूस है वो एक चिन्ह के तौर पर बाइबल में दर्शाया गया है। Symbolically it means a call to complete surrender to God. इसका मतलब है कि पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित होना। So five times in different places you find cross symbolically means self-denial. पांच बार पवित्र शास्त्र में बताया गया है क्रूस का मतलब कि खुद का इनकार करना। Paul symbolically uses like individual never leaves, but Christ lives in him. और पौलुस ने कई बार कहा है कि यहाँ पर व्यक्ति खुद होकर नहीं जीता है, बल्कि यीशु मसीह मुझ में जीता है। He is talking about the crucified life. जो क्रूस पर चढ़ाया गया जीवन है उसके बारे में कहता है। Self-centered desires are nailed to the cross. और जो खुद का स्वयं केंद्रित स्वभाव होता है वो क्रूस पर चढ़ाया गया है। In a Christian's life, the worldly desires are dead. मसीह जीवन में जो दुनिया की चीजें होती है वो मर चुकी। So when we think about the cross symbolically in our lives, that we need self-denial. और जब हम क्रूस के बारे में देखते हैं, क्रूस को एक चिन्ह के तौर पे देखते हैं, तो हमें खुद का इनकार करना है। So we are not asked to carry the cross and walk around. तो हम क्रूस को उठाकर चलने वालों में से नहीं है। So it's not that you know we hang the cross around our neck. और ऐसा नहीं कि हम गले में क्रूस को पहनते हैं और चलते हैं। What does exactly cross means to a Christian? तो क्रूस का मतलब मसीह जीवन के लिए क्या होता है? 2000 years ago Jesus Christ carried the cross himself on behalf of us. 2000 साल पहले यीशु मसीह ने खुद होकर उस क्रूस को उठाया और हमारे लिए वो चल पड़ा। The cross in Christian's life means the suffering. और मसीह जीवन में क्रूस का मतलब होता है कि सफर करना। Augustine said like this, God has one son without sin, but God has no son. अगस्त ने जैसे कहा कि परमेश्वर को एक ही पुत्र था जिसमें कोई पाप नहीं था, और परमेश्वर को एक ही पुत्र था जिसको जो बिना कोई सफर किए नहीं था। Augustine said those words filled with the Holy Spirit. और अगस्त जो है और दूसरे भाषा में कहता है कि पवित्र आत्मा से भर जाना। So you know the Christian's life, our life is filled with suffering. तो हमारा जीवन जो है मसीह जीवन जो है दुख से भरा हुआ है। And in the midst of our suffering, we need to have unshakable faith in God. और दुख में जब हम होते हैं तो जो न हिलाने वाला विश्वास है वो हमें होना जरूरी होता है। Some people say that you know my cross is my financial difficulties. बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरा जो क्रूस है ये मेरे आर्थिक समस्या है। Some people say that my cross is my sickness. कुछ लोग कहते हैं कि मेरा क्रूस जो है ये मेरी बीमारी है। And some people say that my cross is my life. कुछ लोग कहते हैं कि मेरे घर जो है मेरी है। So many crosses we need to carry in our Christian life. तो बहुत सारे ऐसे क्रूस होते हैं जो हमारे मसीह जीवन में हमें लेकर चलने पड़ते हैं। Some people the cross is that they're always a failure. और कुछ लोग सोचते हैं कि मसीह जीवन यानी कि हमेशा अपयश पाना है। When we study the Bible, we understand that the people whoever wanted to walk so close to God, always they had some crosses to carry. और जब अगर हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं तो जो लोग यीशु मसीह के पीछे हो लेना चलना चाहते थे तो उनके जीवन में कुछ ना कुछ प्रकार का ऐसा क्रूस था। One of the main persons comes to our mind always is Job.
और अगर कोई मुख्य व्यक्ति होगी जो हमारे दिमाग में हमेशा आती होगी तो वो है अय्यूब। He lost his children. उसने अपने बच्चे खो दिए। And he lost his will. और उसने अपनी सारी संपत्ति खो दी। He lost his field. उसने अपने खेत खो दिए। He lost his sheep. उसने अपने सारे भेड़िये खो दिए। He lost his camels. उसने अपने सारे ऊंट खो दिए। Everything Job lost one day. और हर एक चीज अय्यूब ने एक दिन में खो दी। And in the midst of those, you know, losses, how did Job respond? और इतने सारे दुख में अय्यूब का प्रत्युत्तर प्रतिसाद कैसा था? Job, as you read the first chapter of verse 21, you find, you know, in this turn to book of Job 121. अय्यूब की किताब उसका पहला अध्याय उसके 21वें वचन की ओर हम मिलते हैं। 21 और 22 वचन हम पढ़ेंगे। And said, Naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. In all this Job sinned not, nor charged God foolishly. और ये सब 22 वचन में कहा है, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊँगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने ही लिया। यहोवा का नाम धन्य है। इन सब बातों में अय्यूब ने न तो कोई पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। As believers, we read these verses several times. मसीह होने के नाते ऐसे वचन हम बार-बार पढ़ते हैं। We hear the reality preacher quote these words. और हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रचारक हैं जो इस वचन को लेते हैं। It is very easy for me to preach from these verses. और ये मेरे लिए बहुत आसान है कि इस वचनों में से मैं आपको प्रचार करूं। Very easy for me to underline my Bible. और बहुत ही आसान है कि उसपे मैं उस वचन के नीचे लाइन मार्क कर रखूं। Very easy for you and me to bypass these verses. और आपके लिए और मेरे लिए बहुत आसान है कि इस वचन को मैं पार कर लूं। But it is very difficult to practice what Job has written and said and practice in his life. लेकिन इस वचन का अनुसार हमारे जीवन में उसका इस्तेमाल करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। We need to really understand God's character in our lives and Holy Spirit will help us. और हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम परमेश्वर के स्वभाव को उसके गुणों को हम जाने और इसमें पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। Acts chapter 1 verse 8 says that you know when the Holy Spirit shall come, you know you shall receive power. पवित्र आत्मा तुम पर आता है तो तुम्हें सामर्थ्य प्राप्त होगा। You shall receive power and you shall be my witnesses, you know, and all the places till the uttermost part of the world. और आपको सामर्थ्य मिलेगा और आप दुनिया के अंत तक मेरे गवाह बनकर रहोगे। You will receive power to become God's servant. और आप सामर्थ्य पाओगे ताकि आप परमेश्वर के चेले बन सको। You will carry my cross and go to the uttermost part of the world. आप मेरा क्रूस उठाओगे और दुनिया के अंत तक जाओगे। It is that power that has brought Pastor Shekhar to Mumbai. और यही वो सामर्थ्य है जो पास्टर शेखर को मुंबई में लेकर आया। It is that power that has brought me to Mumbai. और यही वो सामर्थ्य है जो मुझे मुंबई लेकर आया। And so many crosses that we need to carry. और ऐसे बहुत सारे क्रूस हैं जो हमें उठाकर चलने हैं। And you know, many Christians, many thousands of people can say like Job, naked I came to this world and naked I will return. और बहुत सारे ऐसे मसीह लोग हैं जो अय्यूब की तरह कहेंगे कि मैं नंगा ही आया और नंगा ही मैं चला जाऊंगा। In the midst of all his defeat, all losses, Job is saying that I don't worry about these things. Nothing can stop me from loving God. और अय्यूब कहता है इतने सारे अपयशों के बावजूद, इतनी सारी बातें होने के बावजूद, ऐसी कोई भी बात मुझे परमेश्वर से प्रेम करने से नहीं रोक सकती। Unshakable faith in God in the midst of all the failures. और ऐसा विश्वास है जो मुझे न हिलाने वाला विश्वास है जो ऐसे समस्याओं की स्थिति में मुझे नहीं हिला सकता। That is the cross bearing. और यही होता है क्रूस को लेकर चलना। Oh, he was telling that whether I'm happy or sad, it does not matter my devotion to God. और मैं खुश रहूं या दुखी रहूं, मेरे लिए बात मायने नहीं रखती है, लेकिन मैं परमेश्वर की आराधना करूंगा। My failures can make no difference, no iota of difference in my life, my relationship with God. और मुझे जो पराभव मिला है वो बात उसमें कोई मायने नहीं रखती है कि मेरा परमेश्वर का जो रिश्ता है उसमें कोई बदलाव ना हो। His devotion to God was not based upon anything external. और ये जो दुनिया की बातें हैं उन बातों पर उसका जो परमेश्वर के प्रति आराधना है वो निर्भर नहीं थी। When Job lost everything, he was still putting his faith in God because his relationship with God was nothing external but internal. अय्यूब ने सब कुछ खोया लेकिन फिर भी वो परमेश्वर पर पूरी तरह से यकीन विश्वास रखकर चल पाया। ये इसलिए क्योंकि वो दुनिया की नहीं बल्कि जो उसके दिल से परमेश्वर का रिश्ता था वो मजबूत था। And again, Job says in chapter 9, even my skin the worms destroy,
yet in my flesh I shall see God. मेरे शरीर को अगर कीड़े भी खा ले तो भी मेरा जो शरीर है परमेश्वर को देखूंगा. So he was not even worried about what was happening. His health was failing. He was going through sickness. और वो इन बारे में सोच नहीं रहा था. उसका शरीर कमजोर होता जा रहा था और वो बीमार होते जा रहा था. So God is calling you to such an elevated platform where you will carry your cross of sickness and whatever problem that you have in your life. और परमेश्वर आपको इस स्थिति में बुला रहा है आपके जीवन में जो भी समस्या है जो भी कठिनाई है और उस क्रूस को लेकर. Today's Christian mind, you find that they're very emotional in the church, but outside, you know, they are somewhat worried and gloomy. इसी आगे लोग बहुत ही भावनिक हो जाते हैं, लेकिन दुनिया में जाते हैं, वो जगी बन जाते हैं. Baptism time, very happy. जब बपतिस्मा होता है तो बहुत खुश होते हैं. मजा महाराष्ट्र में इसी वेरी हैप्पी. मजा महाराष्ट्र में इसी वेरी बहुत खुश हो जाते हैं. After compared to the Sunday service, you know, they will skip. और संडे सर्विस से निकलने के बाद में वो चले जाएंगे. And after one week gone after Maza Maharashtra Ministry, next week is all gloomy face. और Maza Maharashtra Ministry से वापस आने के बाद में देखे जाते हैं तो लंबे चेहरे होते हैं. When do we need the Lord most? Is it inside the church or outside the church? और परमेश्वर की हमें सबसे ज्यादा जरूरत कब होती है? जब हम कलीसिया में होते तभी या जब हम कलीसिया से बाहर होते तभी? In the church, very easy to come to the front area, the platform, and sing song. Everybody sing, everybody say praise Lord. Very easy to say praise Lord. और कलीसिया में सामने आना और सबके सामने परमेश्वर की आराधना करना उसके गीत गाना बहुत ही आसान है. You and I need our God the most when we are outside of the church. और आपको और मुझे हमारे परमेश्वर की सबसे ज्यादा जरूरत तब होती है जब हम बाहर दुनिया में होते हैं. Cross bearing outside is the most difficult thing. और बाहर की दुनिया में क्रूस को लेकर चलना बहुत ही मुश्किल होता है. When God heals your stomach pain and back pain, he says praise the Lord. जब आपके पेट में दर्द होता है पेट में दर्द होता है तो कहता है प्रभु की स्तुति हो. And you come to church and you give testimony. और आप जब कलीसिया में आते हो और आराधना आप गवाही देते हो. After 2 weeks you know slip and fell down and you get maybe your leg is sprained and I'm in the hospital and your face is gloomy. आप एक हफ्ते के बाद में आप गिर जाते हो फिसलकर गिर जाते हो आपके पैर में मोच आती है और आपका चेहरा दुखी बन जाता है. Cross bearing time we think that God has left us. और ऐसे जब क्रूस उठा के चलने का वक्त होता है तो हम सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है. God never leaves us when we are in trouble. God is more closer to us than he has us before. परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता है. जब भी हम तकलीफ में होते हैं तो परमेश्वर सबसे ज्यादा हमारे साथ होता है. But when you are in trouble, you don't leave the fellowship, don't leave the church, don't leave the godly counseling. लेकिन आप जब समस्या में होते हो तकलीफ में होते हो तो प्रभु के लोग होते हैं परमेश्वर के सहभागिता होती है उसके सहभागिता संगति होती है उसे कभी मत छोड़िएगा. When the children are sick, you find that the parents' attention is more on them. आप देखते हो जब बच्चे बीमार होते हैं तो उसके माता पिता का ज्यादा ध्यान उन पर होता है. The same way, when a child of God is in trouble, God's attention is more. और उसी तरह से जब परमेश्वर के बच्चों को तकलीफ होती है समस्या में होते हैं तो परमेश्वर की नजर ज्यादा होती है. The greatest criticism against modern Christians is that in trouble they are very sad and they are going astray from the Lord. क्या करने वाली ये कहते हैं कि मसीह जीवन में जब वो तकलीफ में होते हैं दुख में होते हैं तब वे बहुत दुखी होते हैं और परमेश्वर से दूर जाते हैं. Everybody has their own cross to carry. हर एक के पास अपना क्रूस है उठाकर चलने के लिए. Everyone wants to follow me, like denying, take up his own cross and follow me. और कोई भी अगर मेरे पीछे हो लेना चाहता है तो उसे अपना क्रूस उठाना है और मेरे पीछे आना है. Job's life to carry the cross was very difficult. अय्यूब के जीवन में क्रूस को लेकर चलना बहुत मुश्किल था. But still he was having an unshakable faith in God. लेकिन फिर भी परमेश्वर के प्रति परमेश्वर पे उसका विश्वास था. Unshakable devotion in God. जो विश्वास वो आराधना जो कभी हिला नहीं सकती. His wife was trying to shake his faith and deny this God, curse this God and leave him. उसके पति ने आकर उसे कहा कि परमेश्वर को छोड़ दे उसे नष्ट कर दे. But you find that he stood firm in his faith like a rock. लेकिन हम देखते हैं कि वो एक पत्थर की तरह वहां पर खड़ा रहा. In your life, you have very, difficult crosses to carry. आपके जीवन में बहुत ही मुश्किल से क्रूस आपके आपके साथ हो सकते हैं. But look at the Calvary cross, the cross that Christ has carried. लेकिन उस कैलवरी के क्रूस के पास देखिए जो यीशु मसीह ने उठाया था. Simon the Cyrene also helped him because he was not able to carry the cross and go on board. शिमोन नामी किसी व्यक्ति ने उसकी मदद की क्योंकि यीशु मसीह उस क्रूस को उठाकर नहीं चल पा रहा था.
Let us carry our own cross. Let us never give up on God. हम भी अपने क्रूस को उठाकर चलेंगे और परमेश्वर के प्रति हमारा जो विश्वास है उसे हम नहीं तोड़ेंगे. Let us have God, you know, more outside the church and depend on Him more outside the church than inside the church. और कलीसिया में परमेश्वर पे ज्यादा निर्भर रहने से बेहतर हम जब दुनिया में होते हैं तो परमेश्वर पे ज्यादा निर्भर रहते हैं. You face more suffering, more crosses outside the church. और आप बाहर की दुनिया में सबसे ज्यादा तकलीफें सहते हो, ज्यादा क्रूस उठाकर चलते हो. जो लोग अपना क्रूस उठाकर सहते हैं, चलते हैं, लुटा कर चलते हैं, उनका अंकुर उनकी राह देख रहा है. मैं आगे जाकर ऐसे बहुत सारे क्रूस के बारे में बताया गया, उनके बारे में नहीं बताऊंगा. Think about your own life. आपके खुद के जीवन के बारे में सोचिए. Think about God in even the worst situation of cross bearing. और जब आप क्रूस उठाकर चलते हो, बुरे से बुरे हालात में भी परमेश्वर पे निर्भर रहो. Let the Lord give us strength to carry our cross. और परमेश्वर हमें शक्ति सामर्थ्य दे कि हम अपना क्रूस उठाकर चल सकें.